नमस्ते, मैं सत्यनारायण दास और मैं ओडिशा से आया हूँ। मेरा नाम है सत्यनारायण दास, मेरा गाय के चित्र का नाम है कलशचंद्र प्रजा और मेरा प्रोजेक्ट का नाम है रिफाइनरी सिस्टम ऑफ पॉइजनस गैसेस इन व्हीकल्स। हमारा भारत में जो जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जो जन साधारण है वे सब जन वाहन का व्यवहार करते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनको जान वाहन का आवश्यकता पड़ता है। उस जान वाहन जो व्यवहार करते हैं वो साधारणतः तो डीजल और पेट्रोल ईंधन का उपाय करते हैं। उस उपयोग से क्या होता है ना, डीजल और इंजन का जो निकलता है डस्ट पार्टिकल, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी निकलता है। वो हमारा जो शरीर को नुकसान करते हैं। उसके मतलब क्या होता है, हम ज़्यादातर जो बीमार में पड़ते हैं उसको कुछ तरह कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छ करने के लिए हम इस मॉडल को बनाए हैं। इसका नाम है रिफाइनरी सिस्टम। हम जो इस प्रोजेक्ट को बनाए हैं, इस प्रकल्प को बनाए हैं, यहाँ पर दो कंटेनर का यूज करें हैं। इस कंटेनर का यूज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर सर्फ का भी यूज करें हम, जो हमारा डिटर्जेंट से, और हमारा जो चारकोल और इंजीनियर का हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कंटेनर देख रहे हैं आप, इसमें है सर्फ वाटर, और जो दूसरा कंटेनर देख रहे हैं आप, इसमें है चारकोल इन डीप इंजन ऑयल। फर्स्ट कंटेनर क्या होता है, यहाँ पर साइलेंसर लगेगा। जब साइलेंसर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें से गुजरेगा, उसमें से कुछ डस्ट पार्टिकल भी इसमें से गुजरेगा। उस जो डस्ट पार्टिकल है यहाँ पर सर पानी में भीग जाएगा और उसके साथ मिलकर रह जाएगा, क्योंकि सर पानी का डिटर्जेंस जो है उसका है। हम जानते क्या ना, पानी का जो हार्डनेस है, यदि हम यहाँ पर पानी का प्रयोग करेंगे तो पानी में जब डस्ट पार्टिकल जाएगा तो पानी उसको नहीं मिलाएगा, क्योंकि पानी के पास हार्डनेस है। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि यदि एक जगह पर पानी जम जाए, वहां पर एक मच्छर बैठ जाए, तो मच्छर कभी नहीं डूबता पानी में, क्योंकि वहां पर हमको पता चलता है कि पानी में हारने से प्रकृति के लिए हमको पता चलता है। उसके साथ हमको ये भी पता है कि साइंटिफिक ट्रुथ भी पता है हमको, क्या पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा है। वहां पर हम यदि सर्फ का उपयोग करते हैं, सर्फ पानी का सरफेस टेंशन को कमा देता है और पानी का हार्डनेस को कमा देता है। उसके मतलब क्या होता है, जब कार्बन का डस्ट पार्टिकल जब इधर आता है तो पानी सर्फ पानी के साथ भीग के बिघल जाता है, भीग के यहाँ रह जाता है, और जो जितना गैस रह गया वो दूसरा कंटेनर में जाता है। और इसमें एक भी चीज प्रयोग होता है, उपयोग होता है, वो क्या ना, हम इसमें जो बताना चाहते हैं, सर्फ में दो हेड है, एक हेड क्या है ना सोडियम प्लस, और जो और एक है वो है बेस OH माइनस। जो सोडियम प्लस है वो हमेशा पानी को उसके ओर खींचता है, लेकिन दूसरा जो है OH माइनस बेस, वो हमेशा उसके डिटर्जेंस गुण है, इसलिए वो डस्ट पार्टिकल को हमेशा अपने ओर खींचता है। उसके मतलब क्या होता है ना, डस्ट पार्टिकल सर्फ के वाटर में मिल जाता है। उसके बाद और जो गैस रह गया इस कंटेनर में आता है, इसमें क्या है ना, चारकोल और इंजन ऑयल में भिगा कर रखा गया है। जब इंजन ऑयल है, हमको पता है क्या ना, तेल एक चीज है जिसमें धूल पड़ती है तो वो उसको खींच लेता है, क्योंकि तेल का इस नेचुरल एक पावर है, इसमें ऑयल है, उस जो प्रॉब्लम को उसको हम यहाँ पर अप्लाई करें, उसको यहाँ पर हम उपयोग करें, उस ऑयल को हम यहाँ पर रोके हैं। जब ऑयल पर डस्ट पार्टिकल आकर पड़ेगा तो ऑयल क्या करेगा ना,
जो डस्ट पार्टिकल को अपने और खींचेगा उसके बदलाव क्या होगा ना, डस्ट पार्टिकल कार्बन का जो डस्ट पार्टिकल है यहाँ पर खींच के रह जाएगा, कार्बन को ये खींच कर फिल्ट्रेशन कर देगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इधर से निकल जाएगा। लेकिन एक चीज है कि कार्बन का जो डस्ट पार्टिकल है वो यहाँ पर ऑब्जर्व होकर रह जाएगा। आपको मैं एक उपयोग दिखाती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अभी इंजन नहीं है, लेकिन इंजन की तरह हम एक ब्लोअर को यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हमारा ब्लोअर है, इसमें हम क्या करेंगे ना, जो हमारा कार्बन का डस्ट पार्टिकल को इसमें घुसाएंगे, घुसाने का देखिए आप ऐसे निकलेगा। लेकिन यदि हम इसे इस हमारे मॉडल पर लगा देते हैं, आज आप समझिए कि ये एक इंजन है, यह साइलेंसर निकला है, साइलेंसर में इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो आप देखिए ये रहा हमारा कार्बन का डस्ट पार्टिकल, इधर हम घुसाए, आप उस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर नहीं निकला है, क्योंकि कार्बन का जो डस्ट पार्टिकल है इस दोनों कंटेनर में रह रहे हैं। ये हमारा परिवेश हमारा सोसाइटी के लिए बहुत ही सेहतमंद रहेगा, इसीलिए हम इस जो प्रोजेक्ट बनाए हैं प्रकल्प बनाए है ये हमारा सोसाइटी के लिए लाभदायक होगा। इतना बोल के मेरा प्रकल्प का आलोकित समाप्त करते हूँ। जय जगन्नाथ।